वेलकम बैक टू माई ट्यूशन पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी छात्र क्लास 10 में है उनके लिए हम जियो, देखिए यहाँ बात करने वाले हैं उनके लिए हम होम साइंस, ठीक है। होम साइंस का जो पेपर आप देख रहे हैं, होम साइंस, ठीक है, होम साइंस की बात करने वाले हैं, मतलब गृह विज्ञान से बोला जाता है। तो गृह विज्ञान में आपको 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, 2022 में आने वाले प्रश्न की बात करेंगे, ठीक है, आने वाले प्रश्न जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को याद करके 90% प्लस लाएंगे 2022 के एग्जाम, मतलब कि आप 2022 के पेपर में आप टॉपर करने वाले हो, मतलब टॉप बनने वाले हो, ठीक है, एग्जाम में टॉप करने वाले हो, ये समझ लो टॉपर बनोगे आप हाई स्कूल में। गृह विज्ञान देखो, मैं आपको जो सब्जेक्ट दे रहा हूँ, गृह विज्ञान, विज्ञान, ठीक है, मैथ, हिंदी, सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके 2022 के एग्जाम में छप रहे हैं, पेपर में आ रहे हैं। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। पहले ही देखो मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर बता रहा हूँ किस चैप्टर में आपको क्या देखना है। पहला लेसन है, उस चैप्टर में आपको याद कर लेना है बेटा पारिवारिक बजट क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख याद रखना, होम साइंस क्लास 10 की बात करने वालों। देखो पारिवारिक बजट क्या होता है और उसके नियम के बारे में, पारिवारिक बजट और बजट उसके नियम, महत्व और सिद्धांत, उनकी विशेषताएं, उनकी, ठीक है, कह सकते हैं अवलोलन क्या होता है, अवलोलन के बारे में आपको याद करना है। ये है 2022 में आने वाले क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिवारिक आय क्या होती है। देखो पारिवारिक बजट के बारे में याद करेंगे, सारी तरह पारिवारिक आय और इसका पारिवारिक व्यय होता है, मतलब आय का मतलब होता है हमने परिवार में हमने कितने लोगों ने रुपए कितने कमाए और उन लोगों का पूरा जो खर्चा आया वो कितना आया उसके बारे में, और बजट का मतलब होता है कितना बजट निकला। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, देखो बोला गया है, और यहाँ बोला गया है बचत का अर्थ क्या होता है, उनके लाभ, मतलब कि हमने जो पैसे आए, मतलब कि हमने व्यय किया, मतलब कि आया और हमने क्या कर दिया, व्यय कर दिया, मतलब खर्च कर दिया, और खर्च किए गए में कितना बचा, लाभ क्या है उस लाभ के बारे में। और यहाँ बोला गया है डाक खाते की बचत योजना क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। पासबुक किसे कहते हैं, पासबुक जानते हैं, पासबुक किसे कहते हैं, जैसे आपको पता होगा कि बैंक की पासबुक होती है उसके बारे में। राष्ट्रीय बचत पत्र क्या होता है इसके बारे में आप याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जीवन बीमा कराने के लाभ क्या होते हैं, जीवन बीमा जो कराने के जो लाभ है वो कौन कौन से हैं उनको आप याद कर लेना है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट आपका चैप्टर का नाम आ जाएगा, ध्यान रखना, जिसे कहते हैं गृह गणित और सरल गणना, इसके चैप्टर में जाएंगे और इस चैप्टर में याद करेंगे बेटा गृह गणित का होना क्यों आवश्यक है, मतलब कि गृह घर में गणित का होना क्यों आवश्यक है। यार हर चीज तो गणित से ही होती है ना, हम तेल लेने जाएंगे कितने रुपए गए कितने रुपए खर्चेंगे तो गणित ही तो काम करेगा यहाँ, बाकी और कुछ नहीं करेगा। तो गणित की जो होना आवश्यक क्यों है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। और साथ ही साथ 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें, बस मतलब क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से हम मतलब मान लो हम बाजार गए और बाजार में से हमने 2 किलो आलू खरीदे और 2 किलो आलू 50 रुपए के हैं और हमने 500 रुपए दिए तो कितने रुपए वापस आएंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे सिंपल वाले। तो आप 500 रुपए में से 50 को घटाएंगे तो 450 बचेगा, तो 400 रुपए 450 वापस लेंगे हम लोग। तो ये चीज थोड़ा पॉइंटों में, यहाँ मैंने आपको 50 रुपए दे दिया वो पॉइंटों में दे रखा होगा कि मान लो 50 रुपए 25 पैसे के हुए, ठीक है, तो 500 रुपए आप लेके गए तो कितने रुपए बचे, या फिर आपसे 100 रुपए लेके गए तो कितने बचे, तो 100 में से 50 पैसे इतना आपको 49.75 मतलब 75 पैसे बचेंगे, 49 रुपया 75 पैसे उसमें टोटल बचेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमसे इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको याद कर लेंगे, बस सिंपल क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा हार्ड नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र जाते हो H2O, जैसे जल का सूत्र बोला जाता है, इससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में देख लेना है। जल ही जीवन है इस पर टिप्पणी लिखिए, जल ही जीवन है इस पर आपको टिप्पणी लिखना है, मतलब याद कर लेना है इसके बारे में। यहां कह सकते हैं पताल तोड़ कुएं किसे कहते हैं, तो पताल जो कह सकते हैं पताल तोड़ कुआं बोला जाता है वो किसे बोला जाता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के कार्य लिखो, मतलब जल के कार्य जो होते हैं उनको लिखो, और जल साथ ही होता है जल प्रदूषण के कारण क्या है, जल प्रदूषण के कारण को आपको याद कर लेना है, ये आप याद करेंगे। उसके बाद में आप देखिए 8वें चैप्टर में जाएंगे, 8वां चैप्टर होता है अशुद्ध जल से फैलने वाले रोगों के नाम बताना है कि अशुद्ध जल से कौन कौन से रोग फैलते हैं, ठीक है, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग कौन कौन से, वो आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोग, मक्खियों के द्वारा कौन कौन से रोग फैल जाते हैं, मक्खियों के द्वारा कौन कौन से रोग हो जाते हैं, वो आप याद करेंगे। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि पेचिस और जो अतिसार रोग होता है उसमें अंतर देखना है, पेचिस और अतिसार में लक्षण उनके उपायों के बारे में याद कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में हैजा रोग कैसे फैलता है उसके लक्षण उनके उपायों के बारे में देखना है,
हैजा रोग कैसे फैलता है आप ये देखेंगे, उसके लक्षण क्या है और उनके उपाय क्या है हैजा रोग के, आप ये याद करेंगे। यहां लेसन 9 की बात करने वाले हैं। लेसन 9 में जो रहने वाला है वो है बेटा पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। देखो पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रकार के बारे में, उपाय और कारणों के बारे में आप याद करेंगे, ठीक है। ये आपको और साथ ही साथ ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, उसके बारे में आपको याद कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आता है वृक्षारोपण क्यों आवश्यक होता है। देखो वृक्षारोपण मतलब कि हम जो वृक्ष को लगाते हैं वो क्यों आवश्यक है, उस आवश्यकता के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। यहां देखो लेसन दे रखा है 10, लेसन 10 में हम देखेंगे जो कचरा होता है, कह सकते हैं कचरा प्रबंध से आप क्या समझते हैं, क्या आशय है, कचरा प्रबंध क्या होता है, उसके बारे में आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, ध्यान से देखेंगे, यहां बोला गया है जो है, यहां देखिए लेसन 11 की यदि बात की जाए तो संक्रमण रोग किसे कहते हैं, मतलब किससे कहते हैं, संक्रमण जो रोग होता है मतलब संक्रमण एक स्थान से दूसरे स्थान में फैला वो संक्रमण रोग होता है, उसके बारे में वो कौन कौन से हैं उनके नाम लिखना है, मतलब संक्रमण रोग कौन कौन से होते हैं उनके नामों के बारे में आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, देखिए वो होता है रोग प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं, मतलब रोग प्रतिरक्षा का मतलब क्या हो, हमें रोग हो रहा है और प्रतिरक्षा कौन होगा, तो अब वो WBC हमारी बॉडी को रक्षा करता है रोगों से लड़ने के लिए, ठीक है, जिसे सुदृढ़ कड़काए बोलते हैं। यहां देखिए बोला गया है, यहां बोला गया है देखिए, यहाँ काली खांसी किसे कहते हैं, खसरा रोग क्या होता है, चेचक रोग क्या होता है, चेचक रोग को बड़ी माता भी बोला जाता है, छोटी माता बड़ी माता वो होता है, इसके उपाय उनके लक्षणों के बारे में याद कर लेना, और साथ ही साथ निसंक्रमण पदार्थ कौन कौन से हैं, टीबी रोग जिसे क्षय रोग भी बोलते हैं, ठीक है, टिटनेस और मलेरिया के बारे में अच्छे तरीके से इनके बारे में याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 12वें चैप्टर में जाएंगे, 12वें चैप्टर में हम ये देखेंगे, 12वां चैप्टर नहीं होगा, कुछ सीरीज में चैप्टर कुछ अलग होगा, लेकिन आपको सिर्फ आप ये देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो है सिलाई कह सकते हैं, जो सिलाई किट किसे कहते हैं, सिलाई किट और हाथ से सिलाई के चार जो टाकों होते हैं, चार टाकों के बारे में देख लेना है कि हाथ की सिलाई के चार टाकों के नाम आपको लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर में ही सिलाई का लाभ बताना है, कि घर में सिलाई के लाभ कौन कौन से हैं, ठीक है, ये आप देखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष के लिए कह सकते हैं पायजामा बनाने की विधि, देखो पायजामा मतलब पायजामा जो होता है, पायजामा बनाने की विधि क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ कह सकते हैं पेटीकोट बनाने की विधि कौन कौन सी होती है, पेटीकोट और पायजामा बनाने की विधि को याद कर लेना। अब देखो यहाँ एक चैप्टर आ जाता है, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे, 15वां चैप्टर होगा, देखो आपने ये देखा होगा, किसी का भी आप अलग चैप्टर भी हो सकता है, केवल सिंपल हटाया ना हो उनमें, जो 30% डिस्काउंट के साथ आपको जो सिलेबस है उसकी बात करता हूँ। यहाँ कह रहा है भोजन क्यों पकाते हैं, क्यों पकाते हैं, उनका लाभ और विधि बताओ, यार भोजन पकाने के ऐसे भी तो खा सकते हैं सीधे, तो क्यों पकाते हैं, उसकी विधि क्या है। और यहाँ बोला है हरी सब्जी हमारे भोजन का प्रमुख अंग क्यों मानी जाती है, कि हरी सब्जियां हैं वो हमारे जो हमारे भोजन का प्रमुख अंग है कैसे मानी जाती है, तो वो आप देखेंगे। यहां बोला गया है पाक क्रिया का जो पौष्टिक तत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पाक क्रिया का पौष्टिक प्रभाव पर क्या पड़ता है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, 2022 में ये कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखेंगे, यहां नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है भोजन, ठीक है, परोसने की, भोजन परोसने की विभिन्न विधियों से क्या समझते हैं, तो भोजन परोसने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में आपको याद कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है म्यादी बुखार में आहार के बारे में, म्यादी बुखार में आहार किस तरीके से लिया जाता है, यदि म्यादी बुखार किसी को हो जाता है तो उसे आहार किस तरीके से देंगे, सब्जियों का सूप बनाने की विधि कौन कौन सी है, सब्जियों का हम सूप जो बनाते हैं वो बनाने की विधि क्या है सही, उसके बारे में आपको देख लेना है। ज्वर की देखो ज्वर जो मतलब ज्वार माने होता है बुखार, बुखार की अवस्थाओं में आहार कौन कौन सा होना चाहिए, मतलब कौन सा आहार देना चाहिए यदि आप किसी को बुखार आ जाता है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां देखो यहाँ बोला है मोच आने पर क्या आवश्यक है, यदि आपके देखो मोच आ जाती है, यदि आपका पैर है पैर के जोड़े में मोच आती है, मतलब पैर है फसल जाता है तो मोच आ जाती है, तो मोच आने से आप आने का क्या आशय है और मोच के दो लक्षण उनके उपाय, मतलब मोच आएगी तो अब क्या होगा, मोच आएगी तो दर्द होगा, ठीक है, अब दर्द होगा तो उसमें पेन ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और उसके उपचार क्या करेंगे, मेडिसिन वगैरह है उसकी सिकाई करना, उसको अच्छे तरीके से मतलब मसाज करना, यही होगा उसको उपाय, ये आप देखेंगे। हड्डी टूट जाने पर मोच, देखो हड्डी टूट और मोच में अंतर क्या होता है, देखो हड्डी टूटने का मतलब होता है हड्डी जुड़ी हुई है वो बीच से टूट गई, समझ रहे हो, और मोच का मतलब है यदि हड्डी जुड़ी हुई है थोड़ी सी क्या हुआ उसमें मोच आ गया, मतलब ये इतनी मुड़ती है, इतनी मुड़ती है और वो इतनी सी मुड़ गई, पूरी मुड़ गई, मतलब हम कहीं गिर गए झटके में गिर गए तो थोड़ी ज्यादा मुड़ गई, तो क्या होगा मोच आ गया, तो टूटी थोड़ी वो मोच आ गया, मतलब मोच आ गया थोड़ा सा, ये चीज होता है, और ना ही हड्डी टेढ़ी होती है ना मेढ़ी होती है, टूटेगी या फिर मोच आएगा, मोच आएगा तो थोड़ी ज्यादा मांसपेशियां तन जाती है, वो धीरे 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 फिर अपने आप आ जाती है यदि उस पोजिशन में दोबारा ना करें तो। हड्डी की टूट का अर्थ क्या होता है, उनके उपाय उनके लक्षणों के बारे में आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19वां पेपर चैप्टर का नाम हो जाएगा, देखो श्वसन तंत्र
का प्रारंभिक ज्ञान, स्वतंत्रता का प्रारंभिक ज्ञान कौन कौन सा होता है उसके बारे में। तो यहां देखो बोला गया है स्वतंत्र, ठीक है, जो श्वसन तंत्र होता है उनके तीन प्रमुख अंगों के नाम का उनके कार्यों के बाद देखो स्वतंत्र जो श्वसन तंत्र है जैसे कि नाक हो गया है, ठीक है, अब और ये ग्रसनी हो गई और साथ ही साथ क्या है फेफड़े हो गए, ये क्या होते हैं, ये हमारे श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं, ठीक है, उनके बारे में उनकी क्रियाएं कौन कौन सी होती है उनके महत्व के बारे में देख लेना है। नाक से सांस लेने में लाभ क्यों होता है बेटा, नाक से सांस लोगे तो वो छनके जाएगी, नाक से सांस लोगे तो छनके जाएगी वो सीधे फेफड़ों में ऐसे जाएगी, जो बाल होते हैं हमारे नाक मुंह के तो छनके रुक जाती है, मतलब कोई भी धूल कण होते हैं वो आराम से ही रुक जाते हैं, ठीक है, यहां तक रुक जाते हैं। अब उसके बाद में क्या, यदि हम मुंह से सांस लेंगे तो क्या होगा, अब सीधे फेफड़ों में जाएगी और जो भी गंदगी होगी वो सीधे फेफड़ों में जम जाएगी, और जमने के बाद क्या होगा, पोजीशन खराब हो जाएगी, बीमार हो जाओगे और तुम्हें सांस लोगों में दमा वगैरह हो जाएंगे, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, खांसी आएगी, ये दमा वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। स्वच्छ बात की प्रक्रिया क्या होती है, तो सांस लेने की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना कि भैया हम ऑक्सीजन लेते हैं, ग्रासनी में जाते हैं, फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों के बाद में क्या जाती है हमारे ब्लड में चल जाती है, ऑक्सीजन 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 हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसमें क्या होता है उसके बाद में क्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और हमारे बाहर फेफड़ों द्वारा निकल दी जाती है। वही पोजिशन को हम सारा कुछ यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति श्वसन क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे, क्रमिक श्वसन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे, उसमें अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर देख लेना। देखो क्रमिक श्वसन प्रक्रिया वो होती है जिसमें हम अपने ऑक्सीजन के द्वारा सिंपल मुंह पे लगाकर वो ऑक्सीजन देते हैं, वो क्रमिक होती है, हम लोग खुद करते हैं, और प्रकृति श्वसन जैसे कि हम इसमें ले रहे हैं श्वसन को, ठीक है, ये चीज है। यहाँ देखो क्रमिक श्वसन की विधियों के बारे में आपको देख लेना है, और उसके बाद में एक नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आपके सामने आ जाएगा कि ये पूछेगा ठंडी सेक के लिए बर्फ की, यदि आप ठंडी सेक करते हैं किसी चीज की तो बर्फ की चोटी या फिर थैली का उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है, तो बर्फ की थैली ले लो या फिर चोटी ले लो, उसका उपयोग कैसे करोगे यदि आपको ठंडी सेक करनी है किसी की, तो गर्म सेक की विधि क्या क्या होती है और रोगी का स्पंज करने की क्यों आवश्यक है, ठीक है, तो स्पंज करने का आवश्यक क्या है, मतलब रोगी को यदि आप गर्म सेक करने चाह रहे हो, मतलब पौधे हैं गर्दन में कुछ हो रहा है तो गर्म सेक करते हैं, कहीं दर्द हो रहा है तो गर्म सेक करते हैं, वो चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है आपके सामने और इस चैप्टर का आंसर देंगे लास्ट, बेटा इस क्वेश्चन को देखेंगे लास्ट है। यहाँ कह रहा है ताप चार्ट से आप क्या समझते हैं, उनके लाभ कौन कौन से होते हैं, समझती हैं तो आपको बता रहे हैं, या फिर थर्मामीटर से आप क्या समझती हैं, उनके उपयोग उनके लाभ, आप जानते हैं थर्मामीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, हमारे टेम्परेचर को, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है ना, तो टेम्परेचर को यूज करने के लिए, तो वो आप देखेंगे, तो बहुत सारी ऐसा करें टेम्परेचर को याद करने के लिए, बुखार आने पर नापने के लिए थर्मामीटर को यूज किया जाता है, भाई कितने परसेंट टेम्परेचर, 37% से ऊपर है, 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो आपको, या फिर 98.4 फॉरेनहाइट से, 98.4 फॉरेनहाइट से ज्यादा है तो आपको कि भैया बंदे को बुखार है ना, तो ये चीज देखने को। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।